मैं अपनी वृक्षता के दम पर मैं मुख्यमंत्री पद का दावा करूंगा। हरियाणा की तस्वीर बदलने की बात कर रहे अनिल विज, जो कि भारतीय जनता पार्टी के सबसे सीनियर विधायकों में से एक हैं, अंबाला कैंट इलाके से 6 बार विधायक चुने गए हैं। मनोहर लाल खट्टर की जो सरकार थी हरियाणा में, जो अभी कुछ महीने पहले ही बदली गई थी, उसमें सबसे बड़ा पद इनके पास था, गृह मंत्री थे ये। लेकिन इस चुनाव में जो कि अभी होने वाला है, हरियाणा में विधानसभा का चुनाव 5 अक्टूबर को वोट होने वाले हैं, उसके ठीक पहले, वोटिंग से ठीक पहले, अनिल विज साहब ने एक वीडियो मैसेज के जरिए केंद्रीय नेतृत्व को ये साफ कर दिया है कि इस बार चुनाव में अगर रिजल्ट आता है पार्टी के पक्ष में तो वो मुख्यमंत्री पद पर अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। आगे और बात करें उसके पहले आप अनिल विज का ये पूरा वीडियो मैसेज सुन लीजिए। इस बार मैं अपनी वृक्षता के दम पर मैं मुख्यमंत्री पद का दावा करूंगा। बनाना या ना बनाना ये हाईकमांड का काम है, लेकिन अगर मुझे बनाते हैं मैं हरियाणा की तकदीर बदल दूंगा, मैं हरियाणा की तस्वीर बदल दूंगा। तो जैसा कि हमने आपसे कहा कि पार्टी के सीनियर नेता हैं स्टेट में, पहले गृह मंत्री के पद पर रह चुके हैं, मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, अब तो खुल करके उन्होंने मुख्यमंत्री पद पर अपनी दावेदारी भी पेश कर दी है। और इसी पेशी से भारतीय जनता पार्टी की मुश्किलें हरियाणा में बढ़ गई हैं। पहले भी थोड़ी बड़ी हुई थी, कैसे बड़ी हुई थी वो आपको बताते हैं। भारतीय जनता पार्टी में सालों के बाद ऐसा पहली बार देखा गया कि हरियाणा में जब कुछ नेताओं के टिकट कटे तो बगावतें हुई, लोगों ने एक दूसरे से हाथ मिलाने से इनकार कर दिया, पक्ष विपक्ष में भाषण दिए गए, बातें कही गई, चुनाव हरवा देने वाली जैसी बातें भी कही गई। सालों से ये बातें बीजेपी में कोई नहीं कहता था, लेकिन इस बार सुनने को मिला, ये एक दिक्कत थी। और पार्टी इससे निपटने की कोशिश ही कर रही थी तभी अनिल विज साहब ने ये वाली बात कह दी कि वो मुख्यमंत्री पद की दावेदारी पेश कर रहे हैं। अभी मुख्यमंत्री पद पे जो नायब सिंह सैनी हैं उनके नेतृत्व में पार्टी चुनाव लड़ेगी। पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व ये साफ कर चुका है कि अगर राज्य में पार्टी चुनाव जीतती है तो नायब सिंह सैनी ही मुख्यमंत्री पद पे रहेंगे, वही आगे इस पोस्ट को कंटिन्यू करेंगे। लेकिन इस सब के बीच अनिल विज जैसे सीनियर नेता का, पूर्व मंत्री का ये कह देना कि वो मुख्यमंत्री पद के लिए दावेदारी पेश कर रहे हैं, ये साफ दिखा रहा है कि चुनाव से पहले, चुनाव में उतरने से पहले ही भारतीय जनता पार्टी में गुटबाजी हो चुकी है। अंबाला कैंट से विधायक रहे हैं अनिल विज साहब, उस इलाके में इनकी खासी पकड़ है, लिहाजा अगर उन्हें इस बात के संकेत नहीं मिलते हैं कि उन्हें मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, जिसके अभी तक नहीं मिल रहे हैं, पार्टी केंद्रीय नेतृत्व में साफ कर दिया है, दो लोगों के बयान आए हैं, पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जो कि केंद्र में हैं, उन्होंने कहा कि दावेदारी पेश करने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन ये तो केंद्रीय नेतृत्व देखेगा। और उनके अलावा हरियाणा के जो प्रभारी हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, उन्होंने भी बयान देकर के कहा कि दावेदारी पेश हर नेता कर सकता है, हर विधायक कर सकता है, लेकिन ये केंद्रीय नेतृत्व देखेगा। तो कुल मिलाकर के चुनाव से पहले अनिल विज साहब ने जो ये बात कही है, कि वो मुख्यमंत्री पद की दावेदारी रखते हैं, इससे हरियाणा चुनाव पे भारतीय जनता पार्टी के लिए मुश्किलें खड़ी होती हुई दिख रही हैं। पहले बगावत हुई जब लिस्ट जारी हुआ, अब गुटबाजी दिख रही है मुख्यमंत्री पद को लेकर के। चुनाव में उतरने से पहले भारतीय जनता पार्टी में इस तरीके का बिखराव सालों में नहीं देखा गया है। हरियाणा चुनाव में जनता क्या तय करेगी वो तो आगे पता चलेगा जब वोटों की गिनती होगी, लेकिन ऐसा लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने, स्टेट नेताओं ने, राज्य के नेताओं ने कुछ तय कर लिया है। इस खबर में इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया।